हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें बहुत सारे शेड्स यूज़ होते हैं और मैं सारे के सारे एंकर के यूज़ कर रही हूँ। जैसे अब जो मैं फ्लावर बनाऊँगी वो इस वाले शेड से बनाऊँगी, और ये देखिए, और ये इसमें ग्रीन ये वाला यूज़ हो रहा है। आप कोई सा भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करेंगे। और ये बहुत ईजी, ये वाला जो स्केच है ये बहुत इजी है, ये फ्लावर ड्रा करना। आपने हमेशा पहले जब भी ड्रा करना है तो आपने ये वाली जो चीज़ स्टेम जो है ये थोड़ा सा कर्व दे के बनाना है, लाइक इस तरह से, नॉट अ स्ट्रेट, ओके, मेक अ कर्व। और फिर आपने एक लीफ इधर बना दिया, एक इधर बना दिया ऐसे, और ये वाला फ्लावर ऐसे यूँ आपने इस तरह से यूँ बनाना है ऐसे। और अब मैं इसमें 6 स्ट्रैंड्स ही यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत फिलिंग वाला ये स्टिच है। आप इसे पूरी कहीं भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत इजी बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये फ्लावर बनाएंगे, और ये मैं बना रही हूँ साटन स्टिच के साथ, और इसमें 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ।
अब हम ये स्टैम्प स्टिच के साथ बनाएंगे। जब भी स्मॉल सा स्टेम होता है तो उसे हम स्टेम स्टिच के साथ बनाते हैं, किसी और के साथ नहीं बनाते, अदरवाइज वो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वाइडर बहुत हो जाएगा तो वो स्टेम उसका ख़त्म हो जाएगा, उसकी लुक अच्छी नहीं लगेगी। अब ये लीव्स जो हैं ये भी हम साटन स्टिच के साथ ही बनाएंगे। अब हम इसी तरह से इनके सेंटर सेंटर में ये लीव्स ड्रॉ कर लेंगे ताकि वो फिलिंग का टच आए, और उसे हम उसे भी सेम उसी तरीके से ही, क्योंकि हम एक ही स्टिच बना रहे हैं साटन स्टिच, तो हम इसे भी साटन स्टिच के साथ ही बनाएंगे। और फिर हम ये लीफ के इधर स्टार्ट में एक पर्ल लगा देंगे इस तरह से। और ये फ्लावर में भी हम पर्ल लगा देंगे। अब हम इसे और फिलिंग का टच देने के लिए इसके अंदर हम फ्रेंच नॉट के साथ इसको फिल कर लेंगे। इस तरह से हम कहीं कहीं फ्रेंच नॉट डाल देंगे। तो ये आप हर एक चीज़ के ऊपर इसे बना सकते हैं, बहुत इजी है ये और बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।